सभी दीदी लोग को मेरा नमस्ते। दीदी लोग, उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगी और अपने कामों को बड़े आनंद में होकर कर रही होंगी। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहे हैं लौकी में लगने वाले लाल कीड़े की पहचान और उसकी रोकथाम कैसे की जाए। जैसा कि आप जानती हैं कि लौकी की नर्सरी नवंबर के महीने में प्लास्टिक की पॉलीथीन में डाली जाती है, लेकिन जब प्लास्टिक की पॉलीथीन में पौधे लगभग डेढ़ बित्ता के हो जाते हैं, उनकी रोपाई मचान में लगभग 15 जनवरी के आसपास रोपाई कर देते हैं। लेकिन जनवरी के महीने में मौसम बहुत ठंडा रहता है और फरवरी मार्च में मौसम गर्म होने लगता है। जैसे ही मौसम गर्म होने लगता है, लौकी के पौधे में लाल रंग के कीड़ों का प्रकोप होना शुरू हो जाता है और उन कीड़ों के प्रकोप से पौधे मरने लगते हैं। लेकिन उस समय किसान के पास कोई विकल्प न होने के कारण किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन जब तक किसान दवा खरीद कर लेके आता है और उसका छिड़काव करता है, तब तक फसल खत्म हो गई होती है। वही हाल होता है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछताए होना क्या। यदि किसान को कीड़े की पहचान और उसकी रोकथाम के बारे में पहले से पता होता तो क्या लगता है आपको कि वो अच्छे से इसकी रोकथाम कर पाता? यदि हाँ, तो आइए सबसे पहले आज हम लोग इसके बारे में अपनी समझ बनाते हैं और उसके बाद इस समझ को किसानों के पास तक पहुँचाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कीड़ा आप देख रहे हैं, देखने में चमकीले लाल रंग का होता है और आकार में बहुत छोटा होता है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा करता है। वही हाल है इस कीड़े का कि देखने में छोटा लगे और घाव करे गंभीर। और ये कीड़ा सब्जी वाली यानी कद्दू वर्गीय सभी फसलों में बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है, जैसे कद्दू, करेला, लौकी, तोरई आदि सभी प्रकार की फसलों में। देखिए दीदी लोग, ये कीड़ा पौधे की पत्तियों को खाकर इस तरह छेद कर देता है कि पत्ती एकदम जालीनुमा दिखाई देती है और पौधा बिल्कुल मर जाता है। आपने देखा भी होगा, इस कीड़े की खास बात यह है कि जो कीड़े की मादा कीट होती हैं वो पौधे की जड़ के पास अंडे देती हैं। उन अंडों से इल्ले निकलकर जमीन में चले जाती हैं और जमीन के संपर्क में रहने वाले पौधे के भाग जैसे जड़, जड़ के पास का तना या फल को भी खाते हैं। इल्लियों के खाने से पौधे के जड़ वाले भाग में फफूंद से रोग लग जाते हैं और पौधा गलकर सड़ने लगता है। कभी कभी आपने देखा होगा मचान में लौकी के पौधों की जड़ें सड़ने लगती हैं। वो सड़न लौकी के पौधों में लाल कीड़े के इल्लियों के कारण ही होती है और उस सड़न से पौधे गलकर मर जाते हैं, जिससे उत्पादन पर बहुत गहरा असर पड़ता है और किसान को नुकसान हो जाता है। फिर यही कीड़ा बड़ा होकर लौकी के फूल व फलों पर भी नुकसान पहुंचाने लगता है, जिससे लौकी के उत्पादन पर भारी असर पड़ता है। इसीलिए इस कीड़े की रोकथाम शुरुआती अवस्था में ही कर लेनी चाहिए। दीदी लोग, अगर इसकी रोकथाम की बात की जाए तो सबसे पहली खास बात यह है कि खेतों के मेड़ों के आसपास या खेत के अंदर घास फूस न उगने दें, यानी खेत को साफ सुथरा रखें। दूसरी बात, खेत की निराई गुड़ाई करते रहें, यानी पौधों की जड़ों के पास जो अंडे या इल्लियाँ पनप रही हैं वो ख़त्म हो सके। तीसरी बात, लौकी के पौधों की रोपाई के 10 दिन बाद से लेकर 10-10 दिन के अंतराल पर नीम बीज घोल का छिड़काव करते रहें, यानी कीड़े की आने से पहले ही यानी शुरुआती अवस्था में ही नीम बीज घोल के छिड़काव का शुरुआत कर देनी चाहिए। जैसा कि नीम बीज घोल की वीडियो आप लोगों के पास उपलब्ध है, जिसको देखकर आप अपनी समझ बना सकती हैं और किसानों को इसकी सलाह दे सकती हैं। चौथी बात, इस कीड़े की रोकथाम कुछ जैविक दवाइयाँ घर पर ही बनाकर इसकी रोकथाम कर सकते हैं, जैसे नीम, करंज, धतूरा और अरंडे की पत्तियों को गौमूत्र के साथ घोल बनाकर यानी ब्रह्मास्त्र का 1 लीटर ब्रह्मास्त्र को 40 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से इस कीड़े की रोकथाम की जा सकती है। इस घोल का छिड़काव 15-15 दिन के अंतराल पर किया जा सकता है, लेकिन जहां पर कीड़े लगने की संभावना पहले से ही हो वहां पर इस घोल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। लेकिन हाँ, यदि फसल में कीड़े का प्रकोप अधिक हो गया है तो इसकी रोकथाम के लिए रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। इसकी रोकथाम के लिए फ्लूबेंडामाइड या प्रोफेनाफोस 2 ml प्रति लीटर या कार्बोसल्फान जो मार्सल के नाम से भी उपलब्ध होती है 1 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। ये जितनी दवाइयाँ अभी आपको बताई गई हैं वो सभी दवाइयाँ FRC पर उपलब्ध हैं और दवाइयों के साथ साथ कृषि संबंधी अन्य सलाह भी आप FRC के माध्यम से ले सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने लौकी में लगने वाले कीड़े को कैसे पहचाना जाता है और उसकी रोकथाम कैसे की जाती है उसके बारे में समझ बना ली है। लेकिन इस समझ को अपने पास तक ही सीमित न रखकर समूह की सभी सदस्यों के साथ तर्क सहित साझा करें। कीड़े की रोकथाम के घरेलू एवं जैविक उपचार को अपनाकर कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकें। सबको मेरा नमस्ते, धन्यवाद।